नमस्कार, हिम्बुटी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आप मानव शरीर के रूप व उनके इलाज से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कैल्शियम एक मिनरल है जो हमारे शरीर के ढांचे और दांतों की मजबूती के लिए जरूरी है। यह हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। कैल्शियम मांसपेशियों के संतुलन के लिए भी जरूरी है। यह पोषक तत्व न्यूरोमस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल कामों के लिए भी जरूरी है। कैल्शियम ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द और सूजन हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है, मसल्स क्रैम्प्स हो सकते हैं, हड्डियां और दांत कमजोर हो सकते हैं, ब्लड क्लॉट का भी जोखिम बढ़ जाता है। अच्छी बात यह है कि कैल्शियम की कमी से बचने के लिए आप कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ, दवाइयों और सप्लीमेंट का सेवन कर सकते हैं, जिस तरह दूध, दही, पनीर और कई अन्य कैल्शियम रिच फूड्स खाने से आपकी हड्डियां में कैल्शियम भरता है, ठीक उसी तरह कुछ चीजों के सेवन से यह तत्व कम भी होता है। ऑक्जैलिक एसिड से भरपूर चीजें। कुछ खाद्य पदार्थ ऑक्जैलिक एसिड का एक अच्छा स्रोत होते हैं और इनके अधिक सेवन से कैल्शियम लेवल प्रभावित हो सकता है। इतना ही नहीं, यह इसे शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। पालक, चकुंदर, मूली, बादाम, फाइट्स वाले खाद्य पदार्थ फाइट्स कैल्शियम के अवशोषण को कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको फाइट से भरपूर खाद्य पदार्थों के साथ कैल्शियम की अच्छी मात्रा लेने की आवश्यकता हो सकती है। फाइट्स वाले खाद्य पदार्थ में शामिल है ब्राउन राइस, खजूर, बादाम, सीड्स, मेथी दाना। सोडियम से भरपूर चीजें। अधिक सोडियम वाले खाद्य पदार्थ भी कैल्शियम की कमी का कारण बन सकते हैं। यह आपके शरीर से कैल्शियम को निकालने की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं और कैल्शियम अवशोषण को कम कर सकते हैं। यह चीजें हैं सभी तरह नमकीन चीजें, फ्राई की हुई चीजें, शराब और कैफीन। अधिक मात्रा में शराब और कैफीन का सेवन करने से भी कैल्शियम के अवशोषण में कमी हो सकती है। इन दोनों चीजों का अधिक सेवन करना कई स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम पैदा कर सकता है। विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी शरीर में कैल्शियम का लेवल घटा सकती है। यही वजह है कि विटामिन डी की कमी वाले लोगों को सही डाइट लेने की सलाह दी जाती है ताकि कैल्शियम का सही अवशोषण हो। दोस्तों, आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। हम समय समय पर आपको अनेक औषधियों के बारे में, बीमारियों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।